बातों में यहाँ पर जिक्र किया ट्वीट के जरिए, और एक असाधारण व्यक्ति बताया उन्होंने रतन टाटा को। परिवार और मित्रों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट यहाँ पर जो सामने आया है, क्योंकि पूरे देश को एक बहुत बड़ा ये झटका है। और ऐसे में ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, लोगों के इकट्ठा होने का सिलसिला वहां पर लगातार जारी है, क्योंकि मुंबई से जैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि रतन टाटा ने आखिरी और अंतिम सांस यहां पर लिए 86 साल की उम्र में, उनके तमाम जो शुभचिंतक थे वो अब वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं, और इसी वजह से ये हलचल बढ़ती हुई ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं अब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे हैं। वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और 1937 में जन्म हुआ था भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का, जो मशहूर थे अपने तमाम स्किल्स के लिए, इसके अलावा अपने तमाम विजन्स के लिए, और जो आइडियाज़ वो लेकर आते थे कि उद्योग जगत में और किस तरीके से टाटा समूह को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, और उनका वो कार्यकाल हम सब ने देखा भी। 1990 से 91 के आसपास में उन्होंने एक कमान संभाली टाटा समूह की, और टाटा समूह की कमान संभालने के बाद, क्योंकि युवा उस वक्त थे और एक के बाद एक कई ऐसे उनके जो विचार थे वो टाटा समूह को बहुत ज़्यादा आगे ले गए, लेकिन आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है और अंतिम सांस उनकी ओर से यहाँ पर ले ली गई है। इसके अलावा टाटा समूह के लिए भी ये एक बेशक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन लंबे वक्त तक वो टाटा समूह के चेयरमैन रहे। टाटा समूह की गद्दी लंबे वक्त तक उनकी ओर से संभाली गई थी, 1990 से साल 2012 तक। उसके बाद साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी बनाया गया, और उसके बाद उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी यहां पर बीच में बनाया गया था 2016 से 2017 के बीच में, जब साइरस मिस्त्री ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तो बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर उनको मिली, और जैसा लगातार हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे कि हाल के दिनों में उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, और इस कारणवश वो तमाम ऐसे जो बड़ी मीटिंग्स होती थी टाटा ग्रुप्स की, उसमें शिरकत नहीं कर पाते थे। और ऐसे में जब पता चला कि उनको सांस लेने में कुछ तकलीफें यहाँ पर सामने आ रही हैं, उसके बाद उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और रतन टाटा के बारे में कुछ रोचक तत्व भी यहाँ पर लगातार हम आपको बता रहे हैं, कब उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। 1975 में हॉवर्ड से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम उन्होंने लिया, और 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष वो यहाँ पर बन जाते हैं। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में उन्होंने जन्म लिया था। मात्र 10 साल के थे जब उनके माता पिता अलग हो गए थे, लेकिन उनकी दादी ने उनकी देखरेख की, उन्होंने उनको पाला पोसा, और मुंबई में ही ऐसे में उनकी रहकर पढ़ाई पूरी हुई अपने भाइयों के साथ। फिर वो यूएस चले जाते हैं, अमेरिका जाकर वहाँ पर आर्किटेक्चर की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी ओर से की गई, और उसके बाद तमाम एक नए विजन के साथ वो भारत आते हैं। भारत जब आए तो उनको कमान सौंपी गई टाटा ग्रुप्स की, और टाटा ग्रुप्स की कमान जब उनको सौंपी गई तो उसके बाद कई सारी नई नई उपलब्धियों की ओर लगातार टाटा ग्रुप आगे चलता रहा। और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ही अंतिम सांस ली है रतन टाटा ने, और ऐसे में हमारी सहयोगी रचना इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रचना, फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर, जो शुभचिंतक हैं क्या वो आने शुरू हो चुके हैं? हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी ये बैरिकेड्स लगना शुरू हुए हैं। मुझे यहाँ पर आके थोड़ी देर हो गई है, लेकिन पहले ये बंदोबस्त शुरू नहीं हुआ था। बस अभी कुछ ही मिनट हुए हैं कि बैरिकेड्स आ गए हैं, पुलिस का बंदोबस्त शुरू हो गया है। जैसे ये खबर ट्विटर और हर जगह पे आना शुरू हुई है कि रतन टाटा जी का दुखद निधन हुआ है, वैसे ही अभी हमें खबरें आ रही है कि उनके शुभचिंतक बस थोड़ी ही देर में आते होंगे। और उनमें से पहला नाम जो है वो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, जो कि आधे घंटे में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अब ये हमें मंडे को पता चला था कि इनकी तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए उन्होंने एक ट्विटर पे स्टेटमेंट भी इशू करा था ये कहकर कि थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, और उन्होंने एड्रेस करा था कि वो इंडीड ये हॉस्पिटल में है और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आज शाम से ही हम देख रहे थे कि हलचल थोड़ी चल रही थी हॉस्पिटल के बाहर, बॉम्बे हाउस के बाहर, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हम ये पता चला कि ये कन्फर्म हो चुका है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे।